हेलो क्लास 7, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। 3.4 एक्चुअली समझने वाली है, लेकिन इसको नोटबुक में भी करना है। तो इसमें कुछ ऐसा खास फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में कराऊं, तो साथ के साथ करते हैं और साथ के साथ बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए देखते हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। ये सिचुएशंस दे रखी हैं, पांच हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिचुएशंस दे रखी हैं। उसमें हमें बताना है सर्टेन टू हैपन कौन सा होगा, इम्पॉसिबल कौन सा होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसको मैं नोटबुक में, आप प्रॉपर क्वेश्चन लिखने के बाद ही आंसर लिखोगे, प्लीज़ बिना क्वेश्चन लिखे आंसर मत लिखना, ठीक है? तो आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअली। अब इसका सॉल्यूशन में देखते हैं हम। सॉल्यूशन में देखो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब होता है कि पक्का होना किसी सिचुएशन का। जो आपको यहाँ पर सिचुएशंस दे रखी है ना, इसमें आपको देखकर बताना है पक्का होगा या नहीं होगा, ठीक है? और फिर नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब है कि नहीं हो सकता। और थर्ड सिचुएशन है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है। तो पहली सिचुएशन, यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, आज आप बड़े हो जाओगे कल से, तो पक्का हो सकता है, मतलब सर्टेन टू हैपन, क्योंकि कल आप छोटे थे, आज आप बड़े हो जाओगे। अच्छा, अ टोस्ड कॉइन, कॉइन सिक्का उछालते हैं ना, जब सिक्का उछालते हैं तो वो कह रहा है पक्का हेड आएगा, नहीं, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मैंने हिंदी में मीनिंग इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं लिखना, ठीक? थर्ड सिचुएशन है अ डाई। अच्छा, डाई का मतलब जो लूडो खेलते हैं ना, उसको जो डाई होता है जिसपे नंबर आते हैं, वो डाई होता है। तो जब उसको डाई फेंकेंगे ना, वो कह रहा है कि 8 आना चाहिए। अब 8 तो नंबर ही नहीं है उसमें, 6 तक होते हैं, तो इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? अच्छा, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट, वो बोल रहा है ट्रैफिक लाइट पर खड़े हो आप, और वो बोल रहा है नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो होगी ना ग्रीन होगी, हाँ हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है, ठीक है? फर्स्ट का आंसर देखो सर्टेन टू हैपन, सेकेंड का आंसर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, थर्ड तो इम्पॉसिबल है, और फोर्थ है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब वो बोल रहा है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल बादल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कैन हैपन हो सकते हैं लेकिन पक्का नहीं है, ये शॉर्टी नहीं है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। इसको करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना। फ्रॉम योर टीचर द्विंदर कौर। और एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिचुएशंस को बताया था, इम्पॉसिबल है, हो सकती है या नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 मार्बल इन अ बॉक्स, 6 मार्बल्स हैं बॉक्स के अंदर, और 6ों पे ना 1, 2, 3, 4 नंबर डाल दिया हमने, ठीक है? अब वो बता रहा है पहला प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है होने के चांसेस, कितना होने के चांसेस हैं कि अगर हम डिब्बे में से बिना देखे नंबर 2 निकालें, कितने होने के चांसेस हैं, और कितने, सेकंड पॉइंट है कितने होने के चांसेस हैं नंबर 5 के। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, मैंने प्रॉपर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी का जो है एक फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कितना होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे हम probability is equal to number of events, number of events ऐसे लिख लो, number of events upon total number, total number। अब देखो event तो ये situation में बता रहा है 2 होने के कितने chances हैं। मैं अगर डिब्बे में से कोई एक marble निकालूंगी तो एक बार में एक मार्बल आ सकता है ना, वो एक चांस है होने के, तो वो एक चांस है होने के, और टोटल नंबर कितना हो गया
6, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6। इसी तरह से वो बोल रहा है नंबर 5 के होने के कितने चांसेस हैं, भाई नंबर 5 के भी होने के उतने ही चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिब्बे में हाथ डालूंगी तो एक बार में एक ही मार्बल निकालूंगी ना, उसने बोला एक बार में एक मार्बल निकालो, अब वो नंबर 5 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो नंबर होने के कितने चांसेस हैं, नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट आने के मतलब जो आप बोल रहे हो वो इवेंट है, वो आने का 1% चांस है, और टोटल नंबर थे मेरे 6 क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि 6 मार्बल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल नंबर। बस ये था आपका प्रोबेबिलिटी, इसमें और कुछ नहीं करना। जो चांस बोले हैं वो आने के कितने चांसेस हैं वो आप ऊपर लिखोगे और टोटल नंबर जो होगा नीचे आ जाएगा। इसी तरह सेम इसमें था। तो क्वेश्चन 2 डन है, इसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछना। फ्रॉम योर टीचर द्विंदर कौर, टेक केयर। और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 3, एक्चुअली ये क्वेश्चन 3 जो है ना, ये पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, मींस 3.4 का भी लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये रही आपकी 3.4 और इसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 फिनिश और चैप्टर 3 भी फिनिश हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, एक कॉइन उछाला कि कौन सी टीम स्टार्ट करेगी गेम। ऐसे ही करते हैं ना, टॉस करते हैं कॉइन का कि कौन हेड आएगा तो कौन सी टीम पहले खेलेगी। तो वो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके टीम को स्टार्ट करने की, कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है आपकी टीम गेम स्टार्ट करे। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। एक कॉइन उछाला हमने, कॉइन उछाल कर जब हम कॉइन उछालेंगे, कॉइन हैज टू फेसेस। देखो कॉइन के दो ही फेसेस होते हैं, टू फेसेस होते हैं कॉइन के, ठीक है। एक तो हेड होता है जिसको हम एच मान लें, और एक टेल होता है। उछालने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिर्फ दो ही हो गए। तो टोटल नंबर कितना हो गया हमारे पास, टोटल नंबर हो गया मेरा 2, क्योंकि या हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, इवेंट आने के, नंबर ऑफ इवेंट आने के, इवेंट आने के कितने चांसेस है। अब मैं एक बार में एक सिक्का उछालूंगी तो एक ही चीज़ आएगी ना, या हेड आएगा या टेल आएगा। पक्का तो नहीं है कि हेड आ सकता है और पक्का भी नहीं है टेल आ सकता, तो एक ही चांस है आने के, ठीक है। अब मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई तो मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दूंगी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2, जो कि था नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर। एक्सरसाइज 3.4 फिनिश, ठीक, और चैप्टर 3 भी हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट करना है। तब तक आप ये पूरा चैप्टर 3 बहुत साफ सुथरे ढंग से अपनी नोटबुक्स में काम कर लो, कंप्लीट कर लो। जल्द ही मिलेंगे नए चैप्टर 4 के साथ। टिल देन टेक केयर। फ्रॉम योर टीचर द्विंदर कौर।